दिल्ली में पूर्व एमएलए रामवीर शौकीन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामवीर गैंगस्टर नीरज बवाना का मामा है और उस पर नीरज के साथ मिलकर गिरोह चलाने का आरोप है। रामवीर को पिछले कई महीनों से दिल्ली पुलिस तलाश कर रही थी और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो जब्त गाड़ियों को रखने के लिए पड़ोसी राज्यों से बात करे और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर डीजल गाड़ियों को जब्त करे। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने सड़कों पर खड़ी उन गाड़ियों को भी हटाने का निर्देश दिया है जो काम में नहीं है। बीजेपी महिला मोर्चा ने सोमवार को नोटबंदी के समर्थन में दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक मार्च निकाला। मार्च का मकसद लोगों तक कैशलेस का इस्तेमाल बढ़ाने के संदेश के लिए किया गया। इस जागरूकता मार्च में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने भी हिस्सा लिया। कॉमेडियन कपिल शर्मा और अभिनेता इरफान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत देते हुए मुंबई महानगरपालिका को शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। बीएमसी ने गोरेगांव के डीएलएच एनक्लेव की 18वीं मंजिल पर बने दोनों कलाकारों के फ्लैट में अवैध निर्माण किए जाने का दावा किया है और मुंबई महानगरपालिका एक्ट 351 के तहत नोटिस जारी किया था। स्वच्छ भारत अभियान का संदेश लेकर कश्मीर से निकली साइकिल रैली का मुंबई पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ। रैली रोटरी फाउंडेशन के शताब्दी वर्ष पर कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा पर है और देश भर के लोगों को स्वच्छता का संदेश देगी। साइकिल रैली 4,500 किलोमीटर का अपना सफर 33 दिनों में पूरा करेगी। टाटा ग्रुप में चल रहा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा। उद्योगपति नस्ली वाड़िया ने टाटा संस को मानहानि का नोटिस भेजते हुए उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। वाड़िया ग्रुप के चेयरमैन नस्ली टाटा ग्रुप की कुछ कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन, झूठे और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स डेटा के मुताबिक 2030 में दुनिया के 50 बड़े आर्थिक महानगरों में मुंबई 14वें नंबर पर होगी और जो 2015 के डेटा के मुताबिक फिलहाल 31वें नंबर पर है। वहीं 30वें नंबर पर मौजूद देश की राजधानी दिल्ली आर्थिक महानगरी में साल 2030 तक 9 से लेकर 11वें नंबर पर पहुंच जाएगी। आरटीआई के जरिए बात सामने आई है कि मुंबई में रोजाना 4500 से भी ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का मामला सामने आया है। आंकड़ों के मुताबिक सिग्नल तोड़ने के मामले में दो पहिया वाहनों के बाद प्राइवेट वाहन, ट्रक, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बेस्ट का नंबर है। आरटीआई से ये बात भी सामने आई है कि जनवरी 2014 से सितंबर 2016 तक पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल पर हुई कार्रवाई में तकरीबन 43 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सरकारी कर्मचारियों के महापंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि मुख्यमंत्री सातवें वेतन मांग को लागू करने के बारे में तारीख का भी ऐलान करें। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने योग गुरु बाबा रामदेव पर बड़ा हमला बोला है। हरिद्वार की कनखल पहुंचे हरीश रावत ने योग गुरु बाबा रामदेव को पारस बताते हुए कहा कि चंद सालों में वो देश के 40 पूंजीपतियों में शामिल हो गए हैं। हरीश रावत ने कहा कि बाबा को देश की जनता को भी अमीर बनने का नुस्खा बताना चाहिए। हरियाणा के हिसार में संदिग्ध हालत में गायों के मरने का मामला सामने आया है। नई अनाज मंडी में 6 गाय मरी हुई मिली। आसपास में गौशाला चलाने वाले जानवरों ने जहर मिला खाना खाने से मौत की आशंका जताई है। श्रीनगर के करालखुल में जलाए गए स्कूलों को फिर से पटरी पर लाने के लिए सीआरपीएफ सामने आई है। स्कूल के जलाए गए फर्नीचर के बदले सीआरपीएफ ने फिर नया फर्नीचर दान किया है और बच्चे अपने स्कूल को दोबारा पहले वाली हालत में देखकर बहुत खुश हैं। इससे पहले सीआरपीएफ स्कूल को कंप्यूटर भी दान दे चुकी है और जल्द ही यहाँ टूर्नामेंट भी कराया जाएगा। हिमाचल की राजधानी शिमला में पानी का संकट गहरा गया है। पिछले साल की सर्दियों के दौरान शुरू हुई समस्या एक साल बीतने के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। लोगों को रोजाना आसपास की बावड़ियों से पानी लाना पड़ रहा है। असम के किसी टी गार्डन के अंदर पहली बार एटीएम लगाया गया है और यहां काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि पहले वो एक बार में ही पूरी तनख्वाह निकाल लिया करते थे, लेकिन जब एटीएम उनके ही बागान में लग गया है तो फिर एक साथ पैसा निकालने की उन्हें जरूरत ही नहीं रह गई है।
बिहार में नोटबंदी के चलते लोकगीतों की बहार आ गई है। शादी समारोह में नोटबंदी की थीम पर बनाए जाने वाले गाने बजाए जा रहे हैं। लोग इन गानों पर डांस भी खूब कर रहे हैं। झारखंड के प्रसिद्ध देवघर मंदिर में फरवरी 2015 में शुरू किए गए लाइट एंड साउंड शो की हालत खराब हो गई है। इस शो में शिवलिंग की स्थापना की कहानी और झारखंड की विरासत को 26 मिनट में पिरोया गया था और एक साल बाद से ही ये शो वीरान पड़ा है। असम के लखीमपुर में किसानों की ने बारिश के लिए मेंढकों की शादी रचाई है। मान्यता है कि ऐसा करने से बारिश होती है और फसल बहुत बढ़िया होती है। इस शादी समारोह में कई गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में स्कूली बच्चों से भेदभाव का मामला सामने आया है। गलत जांच की वजह से बच्चे को टीबी बताया गया और इसके बाद स्कूल ने पीड़ित बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद परिवार वालों और पड़ोसियों में जबरदस्त नाराजगी है। अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में सोमवार को फायरिंग हुई जिसमें 9 छात्र घायल हुए हैं। छात्रों को सोशल मीडिया के जरिए कमरों के अंदर बंद रहने या फिर कैंपस से दूर रहने को कहा गया था। शूटिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफबीआई की टीम ने हमलावर को मार गिराया। मोसुल में इराकी सेना और आईएसआईएस के आतंकियों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। इराकी सेना मोसुल के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा चुकी है और सेना को रोकने के लिए आईएसआईएस अब स्पाइनर्स, कार बम और आईडीज धमाके का सहारा ले रही है। सोशल मीडिया के जरिए सीरिया में युद्ध के हालात को दिखाती 7 साल की बच्ची बाना अलाबेद ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में बाना ने अपने फॉलोअर्स को गुड बाय लिखा है। बच्ची ने ट्वीट किया है कि उसका घर बमबारी में तबाह हो गया है और न जाने कब उसकी मुस्कान खामोश हो जाए। बाना के ट्वीट पर 90,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और बच्ची के फॉलोअर्स में हैरी पॉटर की लेखिका जेके रॉबलिंग भी शामिल हैं। पूर्वी मोसुल में इराकी और अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के 1,000 आतंकियों को मारने का दावा किया है। सेना के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकी अब नागरिकों की आड़ में सेना पर हमला कर रहे हैं जिसकी वजह से इराकी और अमेरिकी सेना को कार्रवाई करने में मुश्किल आ रही है। मियामी और हवाना के बीच अमेरिकी एयरलाइंस ने सोमवार को पहली कमर्शियल सेवा शुरू की है और यह सर्विस अमेरिका और क्यूबा के बीच 50 साल बाद शुरू हुई है। करीब 5 दशकों के बाद ही अमेरिका और क्यूबा के बीच कूटनीतिक संबंध भी बहाल हुए हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना में पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा हवाना के रिवॉल्यूशन स्क्वायर में रखी गई थी। क्यूबा की सरकार ने 9 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका क्यूबा रिश्ते इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो क्यूबाई अमेरिकी संधि की पेशकश किस तरह करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर क्यूबा ने बेहतर संधि की पेशकश नहीं की तो वो दोनों देशों के बीच हुई संधि को रद्द कर देंगे। ट्रंप ने एक ट्वीट करके क्यूबा को ये चेतावनी दी है। स्पेन में पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। स्पेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपियों का संबंध आईएसआईएस से है। पकड़े गए सभी लोग आईएसआईएस के आतंकियों को शरणार्थी बनाकर तुर्की के रास्ते यूरोप में लाने की फिराक में थे। जर्मनी की जानी मानी विमान सेवा कंपनी लुफ्थांसा के पायलट 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। ये हड़ताल पायलटों के संघ कॉकपिट ने किया है। हड़ताल की वजह से मंगलवार और बुधवार को उड़ानें प्रभावित होंगी। लुफ्थांसा के पायलट सालाना 3.66% की वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उत्तरी जापान में बर्फबारी शुरू हो गई है और जिसको देखते हुए डोमिनोज पिज्जा क्रिसमस में लोगों को गर्म पिज्जा पहुंचाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए डोमिनोज जापान 12 सिंगा को पिज्जा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगा और सभी 12 सिंगा में जीपीएस लगा होगा जिससे लोग अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकेंगे। सलमान खान करीना कपूर को शुभकामनाएं देने पहुंचे। पार्टी में मौजूद मलाइका अरोड़ा के साथ सलमान खान का कोई मनमुटाव नहीं दिखा। अरबाज खान ने उसे अनबन के बाद मनमुटाव की खबरें दी।
सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया को हिमेश रेशमिया ने अपने म्यूजिक एल्बम में ब्रेक दिया है। माना जा रहा है कि हिमेश रेशमिया ने अपना करियर संवारने में सलमान खान के एहसान का कर्ज चुकाया है। एक्टर रणवीर सिंह की फेवरेट को स्टार प्रियंका चोपड़ा हैं और फिल्म गुंडे की शूटिंग के दौरान प्रियंका से मिली डांट का रणवीर ने किया खुलासा। होस्टों की कामयाबी से खुश जॉन सोनाक्षी ने मुंबई में जश्न मनाया। जॉन ने इस मौके पर फोर्स 3 का ऐलान भी किया। फोर्स 2 में जॉन और सोनाक्षी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म ट्यूबलाइट को लेकर सामने आई सलमान कबीर की अनबन। कबीर खान फिल्म से बदलकर बैनर का नाम हुआ सलमान खान फिल्म्स।